जब से सरकार ने पतंजलि की दवा कोरोनिल पर रोक लगाई है, उसके जो प्रचार है उसे रोका है, तब से एक बहस शुरू हो गई है इसे लेकर कि आखिर इसके ट्रायल, इसकी मंजूरी कैसे मिली, किसने दी और फिर क्यों इसे रोक दिया गया। खैर, अब सोशल मीडिया पर एक नया दावा किया जा रहा है और दावे के मुताबिक आयुष मंत्रालय के 6 मुस्लिम डॉक्टर्स ने पतंजलि की जो कोरोनिल दवा है उस पर रोक लगाई है। ये सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई आखिर क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आयुष मंत्रालय रामदेव के इस दवा को इसलिए रोक रहा है क्योंकि दवाओं को मंजूरी देने वाले उसके मुख्य वैज्ञानिक मुस्लिम हैं। एक ट्विटर यूजर ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आयुष मंत्रालय में दवाइयों पर रिसर्च और अप्रूवल देने वाले साइंटिफिक पैनल के टॉप 6 साइंटिस्ट के नाम पढ़िए, आसिम खान, मुनावर काजमी, खादिरुन निशा, मकबूल अहमद खान, आसिया खानम, शगुफ्ता परवीन। बाकी समझ जाइए कि रामदेव के कोरोनिल दवा पर रोक क्यों लगी थी। ये है सिस्टम जिहाद। ये पोस्ट फेसबुक के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। खैर, ये तो दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो दावे सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से किए जा रहे हैं, जिन 6 मुस्लिम डॉक्टर्स का नाम लिया जा रहा है, आखिर उन दावों में सच्चाई क्या है, आखिर किस बिना पर ये दावे किए जा रहे हैं। लिहाजा हमने इसकी पड़ताल की और पड़ताल में बहुत कुछ साफ हुआ। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉरूम ने पाया कि वायरल पोस्ट में किया गया दावा गलत है। इस लिस्ट में मौजूद नाम दरअसल किसी ऐसे पैनल से जुड़े नहीं है जो दवाओं के लिए लाइसेंस जारी करता हो। ये सभी नाम आयुष मंत्रालय के यूनानी चिकित्सा विभाग की वेबसाइट से लिए गए हैं। दूसरे आयुर्वेदिक दवाओं के लिए लाइसेंस राज्य सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से जारी किया जाता है। पड़ताल से ये तो साफ हो गया कि जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि जिन 6 डॉक्टर्स का नाम लिया गया है वो दरअसल यूनानी चिकित्सा विभाग से जुड़े हैं। उनका लाइसेंस जारी करने इन सब चीज़ों से और जो पैनल बात की जा रही थी उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, लिहाजा ये पोस्ट भ्रामक साबित हुई। आप भी ऐसे पोस्ट से ज़रूर बचिए, इसे तभी शेयर कीजिए जब तक आप उसे लेकर पूरी तरह से कंफर्म ना हो।